देखिए, मैं समझता हूँ ये तस्वीरें दिल्ली को दहलाने वाली हैं। दिल्ली के सिर्फ आस्था के साथ ही खिलवाड़ नहीं है, ये मैं समझता हूँ दिल्ली के जीवन के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है इस यमुना जी को स्वच्छ रखना, लेकिन इसको स्वच्छ रखने की बजाय इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। छठ के व्रती न आए, कोई श्रद्धालु न आए जो यमुना जी को पूजता हो वो न आए, क्योंकि वो आएगा तो इसको देख करके आंसू बहाएगा तो दिल्ली को पता चलेगा। ऐसी जो कुकर्म किया है दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने, उसको मैं धन्यवाद करता हूँ TV9 भारतवर्ष का, जिन्होंने ये बात दिखाई। और मैं खुद देख करके अभी यहाँ खड़ा भी हूँ ना, तो मेरे को ये दुर्गंध बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आपके एंकर भी, आपके कैमरामैन भी ये इसको बात को महसूस कर रहे हैं। मैं तो यही सवाल उठा रहा हूँ। आप सोचिए, जब छठ पे प्रतिबंध लगा तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे प्रार्थना करते करते जब नहीं माने तो सड़कों पे आना पड़ा, हमें आना पड़ा, छठ यात्रा निकालनी पड़ी, लोगों छठ समितियों से बात करनी पड़ी। उस जब देखे कि सड़कों पे लोगों ने इस बड़ी संख्या में इसका विरोध किया, तब जाके छठ का प्रतिबंध हटा। लेकिन तब भी यमुना जी को प्रतिबंधित रखा गया। हमें लगता था कि यार यमुना जी को प्रतिबंधित क्यों, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, हम सभी लड़ रहे हैं। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये छुपाना चाहती है अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली से कि हमने 7 साल पहले किया हुआ वादा नहीं पूरा किया, हमने यमुना जी के लिए किया वादा दिल्ली से नहीं पूरा किया।